गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखिए, अगर कुछ भी आपका लिखा हो, जैसे 1/2, इसको हम पढ़ते हैं 1/2, ठीक है। तो 1/2 ये क्या है? ये आपका फ्रैक्शन में है। ये आपका 3/4 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। ये है आपका प्रैक्टिस इन फ्रैक्शन 1 करते हैं। क्वेश्चन है, मेक अ टिक लगाना है विच आर डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। जो टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल मतलब होता है बराबर, जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं उन पे आपको टिक लगाना है। तो देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, हाँ जी, तो इस पे टिक लगा देंगे। ये और ये बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ओके, बी पार्ट है, मेक अ टिक विच आर डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है कि नहीं। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो टिक लग जाएगा। इसके 3 इक्वल हैं, देखिए ये और ये क्या बराबर हैं? इक्वल हैं? नहीं है। ये इक्वल हैं? ये है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखना है, खुद से लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, ये देखना है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है कि नहीं। 4 में, तो 4 में देखिए, ये क्या चारों इक्वल हैं? नहीं हैं। ये चारों इक्वल हैं? हैं, ठीक। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है, कलर द हाफ, हाफ मीन्स आधा, 1/2 ऑफ ईच फिगर। हर एक फिगर का आपको 1/2 मतलब दो पार्ट, नीचे वाला 2 का मतलब है दो पार्ट है, और ऊपर वाले 1 का मतलब है कोई एक को कलर करना है। तो किसी भी एक को आपको कलर कर देना है, ठीक है। इन दो में से किसी भी एक पार्ट को कलर कर देना है, ठीक है। इसमें भी किसी वन को इसमें भी हम शेड कर देंगे या कलर कर देंगे। कलर बोला है तो कलर कर देंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें से किसी भी एक को, 1 लिखा है ना ऊपर, तो किसी भी 1 को इन दोनों में से आपको कलर कर देना है। ऐसे ही आपका सी पार्ट है। सी में क्या है? कलर द 1/3। 1/3 मतलब किसी 3 में से किसी एक को कलर करना है, किसी एक को कलर करना है, तो किसी भी एक को कलर कर सकते हो आप, राइट। कलर द 1/4, किस 4 में से किसी भी 1 को आपको कलर करना है या शेड करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर है शेड द फॉलोइंग, अलग अलग दिया है, इसमें से करना है आप इन 4 में से। देखिए, नीचे वाला 4 का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं। 4 में से किसी 1 को करना है, तो 1 को कर दिया हमने। फिर 4 में से किसी 3 को करना है, 3 को कर दीजिए आप, ओके। फिर 3 में से 2 को करना है, 4 में से 1 को करना है, ओके। इस तरीके से आपको इसको यहाँ तक फिनिश कर लेना है आज की डेट डालकर, ओके।